एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विदेशी लोगों के तरह तरह के शौक होते हैं। कभी कोई लड़की सर्जरी करवा कर लड़का बन जाती है, तो कभी कोई लड़का सर्जरी करवा कर लड़की बन जाता है। ऐसे ही एक शख्स का भारत आगमन हुआ है जिसे देख लोग सकते में हैं। एक गुड़िया जैसा दिखने के लिए दवाइयों और चाय पर जी रहे इस शख्स को देख लोग हैरान हैं कि ये है क्या आखिर, ये कोई रोबोट है, ये कोई मशीन है, लड़का है या लड़की है। अपने शरीर के हर हिस्से की सर्जरी करा चुके इस शख्स का नाम ह्यूमन डॉल रोड्रिगो आल्व्स है। रोड्रिगो इन दिनों भारत में आए हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोड्रिगो एक डॉल जैसा दिखने वाला लड़का बनना चाहता था। आप जल्द ही रोड्रिगो को बॉलीवुड फिल्म में देख सकेंगे, जो एक अलग ही अनुभव होगा। रोड्रिगो इससे पहले अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं भारत आए थे, लेकिन इस बार वे बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए यहां पहुंचे हैं। रोड्रिगो के मुताबिक वे असल में भारत बॉलीवुड फिल्म में काम करने के लिए ही आए थे, लेकिन यहां रुकने के दौरान उन्हें नशे की आदत से छुटकारा पाने में भी काफी मदद मिली है। ह्यूमन डॉल के नाम से फेमस इंस्टाग्राम स्टार रोड्रिगो आल्वेस ने हाल ही में अपने भारत दौरे की फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। इन फोटोज में रोड्रिगो को भारत के अलग अलग शहरों के ऐतिहासिक व धार्मिक जगहों पर घूमते हुए देखा जा सकता है।